नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस डिफेंस तारानगर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं राकेश सिहाग और आज हम चर्चा करने वाले हैं 6 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आपको अंत तक देखना है वीडियो को। इसके साथ साथ आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ दोस्तों, आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे वीडियो को, जिससे कि उनको भी फायदा मिले। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी करते हो, चाहे आप नेवी की तैयारी करते हो, चाहे आप आर्मी की तैयारी करते हो, चाहे आप SSC की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके लिए ये जो करंट अफेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए। इसलिए आपको अच्छे से देखना है और साथ साथ में आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ उनको अच्छे से आपको याद करना है। और दोस्तों, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो यही नाम है जो आपने यहाँ पर देखा है ना, ये वाला नाम, ठीक है ना, यही हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं 6 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया हाल ही में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जुलाई को। कब मनाया गया था? 4 जुलाई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझना कि प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी प्रत्येक वर्ष जो जुलाई महीना होता है, प्रत्येक वर्ष का जो जुलाई महीना होता है उसके पहले शनिवार को यह सहकारिता दिवस मनाया जाता है। कौन से शनिवार को? पहले शनिवार को। प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, इस वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। कब मनाया गया था? 4 जुलाई को मनाया गया था। अब की बार जो पहला शनिवार था जुलाई मंथ का, वो कब आया था? 4 जुलाई को आया था, इसलिए 4 जुलाई को ही ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। यहाँ पर बात संयुक्त राष्ट्र की करते हैं, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को मनाता कौन है? संयुक्त राष्ट्र मनाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 193, यानी 193, यानी 193 इसके सदस्य देश हैं। इसके साथ साथ इसके अध्यक्ष का क्या नाम है? अध्यक्ष का नाम है एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस। ध्यान रखोगे अच्छे से यह बात, एंटोनियो गुटेरस इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है, अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है, यानी कहने का मतलब पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस IIT का नाम आपको बताना है जिसने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी नाम से विकसित किया है। तो टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी किसने लॉन्च किया है, किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? IIT कानपुर ने। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मैं आपको बता दूं, यह सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है, यानी किसी भी एंगल से वीडियो बना सकता है, ठीक है। यह सेटअप ध्यान रखना है, किसने लॉन्च किया है? IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। अच्छा, IIT की फुल फॉर्म क्या होती है? IIT की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, कानपुर जो IIT है, कानपुर IIT के निदेशक का क्या नाम है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो IIT कानपुर के जो निदेशक है वो कौन है? प्रोफेसर अभय करंदीकर। कौन है? प्रोफेसर अभय करंदीकर, ध्यान रखना, ये IIT कानपुर के निदेशक हैं। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है। ध्यान रखना, विश्व बैंक ने MSME मंत्रालय के लिए या फिर MSME के लिए कितने मिलियन डॉलर की
इमरजेंसी रिस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो ध्यान रखना, $750 मिलियन, $750 मिलियन इमरजेंसी रिस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है। किसके लिए? एमएसएमई के लिए। किसने दी है? विश्व बैंक ने दी है। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है COVID-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए लघु सूक्ष्म और उद्यम, जो मध्यम उद्यम है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी जो सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्यम जो हैं, जो उद्योग हैं, उनको COVID-19 से जो हानि हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए वित्तीय सहायता देना, ये इस इमरजेंसी रिस्पॉन्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। किसने मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने मंजूरी दी है। किसके लिए? सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी एमएसएमई के लिए। कितने मिलियन डॉलर की? $750 मिलियन की। ठीक है, अब यहां पर बात आती है एमएसएमई के बारे में। अच्छा, एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये एमएसएमई की फुल फॉर्म है। या फिर अगर हिंदी के अंदर बात करें तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ये इस एमएसएमई की फुल फॉर्म है। स्थापना 2007 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है ना। चलिए यहां पर बात विश्व बैंक की आती है। तो विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1944 में की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, एमडी और सीईओ का क्या नाम है? अंशुला कांत। क्या नाम है? अंशुला कांत। एमडी और सीईओ कौन है विश्व बैंक के? तो ध्यान रखना, अंशुला कांत है। अच्छा, अध्यक्ष का क्या नाम है? डेविड मालपास। डेविड मालपास विश्व बैंक के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है एमएसएमई और विश्व बैंक के बारे में। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने COVID-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपीईसी समिट को रद्द करने की घोषणा की है? उस देश का नाम बताना है जिस देश ने COVID-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट यानी एपीईसी को रद्द करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। उस देश का क्या नाम है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने COVID-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट यानी एपीईसी को रद्द करने की घोषणा की है। किसने? न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। अच्छा, बात करते हैं, देखिए ध्यान से, कि न्यूजीलैंड ने COVID-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा की है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह शिखर सम्मेलन, शिखर जो सम्मेलन है वो न्यूजीलैंड के ओकलैंड में आयोजित किया जाना था। कहां पर आयोजित किया जाना था? न्यूजीलैंड के ओकलैंड में आयोजित किया जाना था 2021 में, लेकिन अब ये रद्द कर दिया गया है COVID-19 के चलते। अच्छा, यहां पर बात करते हैं एपीईसी के बारे में। एपीईसी क्या है? तो ध्यान से समझना, एपीईसी की फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ध्यान रखना, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। 1989 में, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? तो ध्यान रखना, कार्यकारी निदेशक हैं डॉक्टर रेबेका फातिमा स्टामारिया। अच्छे से ध्यान रखोगे, इस एपीईसी के जो कार्यकारी निदेशक हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर रेबेका फातिमा स्टामारिया। मुख्यालय सिंगापुर के अंदर है एपीईसी का। एपीईसी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, स्थापना मैंने आपको बता दी, एमडी का नाम मैंने आपको बता दिया, मुख्यालय मैंने आपको बता दिया। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? अच्छा, एडवर्ड फिलिप किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है हाल ही में? तो ध्यान रखना, एडवर्ड जो फिलिप हैं वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? दोस्तों, फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे? फ्रांस के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया अपने पद से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे, अपने पद से इस्तीफा दे दिया एडवर्ड फिलिप ने, जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ध्यान से समझना, कि फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा सरकार में फेरबदल करने की संभावनाओं के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, जो एडवर्ड फिलिप थे उनको ये महसूस हुआ कि जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल जो मैक्रोन है वो अपनी सरकार में क्या करेंगे? फेरबदल करेंगे। इसी संभावनाओं के चलते क्या कर दिया? एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
फ्रांस की अगर बात करते हैं तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी पेरिस है और मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। मुद्रा का क्या नाम है? यूरो। ये बात भी आप कहीं ना कहीं ध्यान रखोगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया, वो कौन थी? सरोज खान कौन थी जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो ध्यान रखोगे, सरोज खान एक कोरियोग्राफर थी। क्या थी? कोरियोग्राफर थी सरोज खान, जिनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान से समझना कि सरोज खान को देवदास, जब वी मेट और श्रृंगारम जो तमिल फिल्म थी, इन तीनों फिल्मों के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। यानी देवदास के लिए, जब वी मेट और श्रृंगारम नाम की जो फिल्में थी, 3 फिल्में, इनके लिए इस सरोज खान जी को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम दिल दे चुके सनम और गुरु खलनायक और चालबाजी जैसी फिल्मों के लिए इनको क्या मिल चुका है? फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। तो ध्यान रखना, कोरियोग्राफर किस से संबंधित होता है? फिल्मों से संबंधित होता है। तो कोरियोग्राफर ही एक सरोज खान, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ध्यान रखना, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? क्वेश्चन आपसे पूछा है, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखोगे, एम वेंकैया नायडू के द्वारा। किसके द्वारा? एम वेंकैया नायडू के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। एम वेंकैया नायडू के द्वारा फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ध्यान से समझना। इस पुस्तक को किसने लिखा था? इस पुस्तक को लिखा था C.A.V. पट्टाभी राम ने। किसने लिखा था? C.A.V. पट्टाभी राम ने इस पुस्तक को लिखा था। और इस पुस्तक का विमोचन किया गया है वर्चुअल माध्यम से, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। किसने किया? ICT अकादमी ने इसको होस्ट किया। और किसने किया था? एम वेंकैया नायडू ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि जो फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नाम की जो पुस्तक थी, उसका विमोचन किसने किया था? एम वेंकैया नायडू ने किया था। इसके लेखक कौन थे? C.A.V. पट्टाभी राम थे। किस आधार पर किया गया था? वर्चुअल इवेंट के माध्यम से किया गया था। और किस अकादमी ने इसको होस्ट किया था? ध्यान रखना, ICT अकादमी ने इसको क्या किया था? होस्ट किया था। यहां पर बात आती है ICT अकादमी की, तो इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है और अध्यक्ष का नाम है लक्ष्मी नारायण। क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण। और एम वेंकैया नायडू की अगर बात करते हैं तो ये हमारे देश के क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। क्या है? उपराष्ट्रपति। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद कर सकता हूं आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 लॉन्च किया है? ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 लॉन्च किसने किया है? तो ध्यान रखोगे, ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 जो लॉन्च किया है, वो रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये जो पहल है ये अपनी तरफ से राष्ट्र की पहली पहल है। ध्यान रखना, ये एक राष्ट्रीय पहल है और ये पहली पहल है इस प्रकार की। ठीक है, जो दवा की खोज की प्रक्रिया को समर्थन करने के लिए क्या की गई है? शुरू की गई है। मान लो कोई कंपनी वगैरह, कोई मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो क्या कर रहा है? COVID-19 या फिर अन्य किसी बीमारी की क्या कर रहा है? दवा लॉन्च कर रहा है, दवा की खोज कर रहा है। तो उसका समर्थन करने के लिए ये एक पहल शुरू की गई है। किसके द्वारा? रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा। ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 इसका नाम रखा गया है, इस पहल का। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह क्या है? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या है? स्वास्थ्य मंत्री। क्या है? स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री। अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, आपको यह बताना है कि रमेश पोखरियाल निशंक के पास कौन सा मंत्रालय है। इनके इन इसके मंत्रालय का नाम आपको बताना है। रमेश पोखरियाल निशंक के पास कौन सा मंत्रालय है, ये आपका आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है। अगर आप इसका
करेक्ट आंसर दोगे, इसका आप आंसर दोगे तो मेरे को ये पता चलेगा आप यहाँ तक वीडियो में पहुंचे हो और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एलपीजी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ध्यान रखना, एलपीजी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एलपीजी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है, यह बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, संयुक्त उद्यम कंपनी बांग्लादेश में एलपीजी की आयात लागत को कम करने के लिए मदद करेगी। अच्छा, यहां पर बात इतनी इंपॉर्टेंट है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इस एलपीजी की फुल फॉर्म है, या फिर इसको हम द्रवित पेट्रोलियम गैस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस भी बोल सकते हैं। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है, मुद्रा का नाम टका है, और प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, और राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बांग्लादेश भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है? तो 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है बांग्लादेश भारत के साथ। ये बात भी आप कहीं ना कहीं ध्यान रखोगे तो उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, लेकिन मैंने आपको इसका उत्तर कल गलत बता दिया था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए मैं गलत बता दिया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन आज फिर से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं कि हाल ही में किस देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किस देश की सेना ने नियुक्त किया है? तो ध्यान रखोगे, पाकिस्तान की सेना ने। किसने किया है? पाकिस्तान की सेना ने किया है। और कल मैंने आपको अफगानिस्तान बता दिया था, हालांकि उत्तर इसका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान होगा। ठीक है, बात पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो आपको पता है सभी को। पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? इस्लामाबाद, और इसको आप मुर्दाबाद भी बोल सकते हो, इस्लामाबाद या फिर मुर्दाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद या फिर मुर्दाबाद, क्योंकि मुर्दाबाद के लायक ही है ये। ठीक है, अच्छा मुद्रा की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी। और मैं आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगा है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने के अगले वीडियो में कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इस क्लास का आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।